Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी के चुनावी समर में सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। पहले ही अपने दल के नेताओं की पाला बदली से परेशान सपा कांग्रेस को यूपी में, खास तौर पर पश्चिमी यूपी में, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कारण है कि भीम आर्मी, या यूं कहें आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, ने सपा और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। भीम आर्मी की ओर से इसकी वजह सपा प्रमुख अखिलेश यादव की वादा खिलाफी को बताया जा रहा है। गुस्सा इतना अधिक है कि चंद्रशेखर आजाद ने सपा और कांग्रेस के खिलाफ महासमर की तैयारी कर दी है और जनसंपर्क पर निकल पड़े हैं। दरअसल बात यूपी की नगीना लोकसभा सीट की है। सपा ने शुरू से ही इस सीट पर आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद को उतारने की बात कही थी। चंद्रशेखर आजाद 2022 से ही अखिलेश के साथ चल रहे हैं। तब के उपचुनाव में आजाद ने सपा गठबंधन के साथ मैनपुरी, रामपुर और खसौली में चुनाव प्रचार भी किया था। लोकसभा चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं भी थी। सपा की ओर से नगीना सीट ऑफर होने के बाद चंद्रशेखर आजाद इस सीट पर अपनी तैयारियों को तो धाक दे ही रहे थे, साथ में पश्चिम की कई सीटों पर गठबंधन प्रत्याशी के चुनाव प्रचार पर निकलने की तैयारी थी। अचानक बात बिगड़ गई। सपा ने सबको चौंकाते हुए नगीना सीट से मनोज कुमार को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके बाद इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद अकेले मैदान पर कूद गए हैं। उनका दावा है कि वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। आजाद के संगठन भीम आर्मी से जुड़े लोगों में दलित तथा मुस्लिम समुदाय के युवाओं की बड़ी भागीदारी है। भीम आर्मी अपने मुखिया का अचानक से टिकट कटने पर बेहद नाराज बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए भीम आर्मी से जुड़े लोगों को अखिलेश यादव की इस वादा खिलाफी के बारे में बताकर अपने अपने क्षेत्र में इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों का पुरजोर विरोध करने की अपील भी की जा रही है। यूपी की सियासत के जानकारों की माने तो पश्चिमी यूपी की करीब आधा दर्जन सीटों पर चंद्रशेखर आजाद का अच्छा प्रभाव है। ऐसे में अगर वह सपा कांग्रेस के खिलाफ अभियान छेड़ते हैं तो लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।